ये बात हम सब जानते हैं कि सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं और इनके बीच हुई लड़ाइयों में अक्सर जीत नेवले की ही होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नेवले और सांप के बीच हुई इस जंग में हर बार नेवले की जीत और सांप की हार क्यों हो जाती है? देखो, हमें ये पता है कि सांप एक जहरीला जीव है जो अपने जहर के दम पर हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार सकता है, तो भला सांप एक छोटे से नेवले के सामने हार कैसे मान लेता है? आइए जानते हैं। दोस्तों, सांप और नेवले की इस लड़ाई में एक बात तो पक्की है कि सांप सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, वहीं नेवला सांप को मारने और खाने के लिए सांप पर हमला करता है। यानी कि इन दोनों की इस लड़ाई में लड़ाई होने से पहले ही विजेता नेवला होता है। नेवले की जो चीज सांप पर सबसे ज्यादा भारी पड़ती है वो है उसकी फुर्ती, क्योंकि नेवला एक बहुत ही फुर्तीला जानवर है जो सांप पर बहुत तेजी से हमला करता है। वहीं दूसरी चीज होती है नेवले के घने और सख्त बाल, जो कि सांप के जहरीले डंक को उसके शरीर में अंदर तक नहीं जाने देते। साथ ही नेवले के शरीर में जहर से लड़ने के लिए ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो कि धीरे धीरे जहर के असर को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जीत हमेशा नेवले की होती है।